एक्चुअली आज लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेरा इलाका है उसके कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो सांगपू इलाके में वर्सू ब्लॉक से आगे आके पांगबर से आगे यरका सिंह से आगे करीब एक डेढ़ घंटा पैदल चल के यहाँ हम आए हैं। और यहाँ पे मुझे मेरे साथियों ने मुझे बताया गया कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जो नज़ारा छुमित जिसको हम कहते हैं ऐसे एक स्प्रिंग वाटर देखने को मिलेगा। तो मेरा भी एक उत्सुक था, इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो क्लिप के जरिए मैंने देखा इस इलाके के बारे में सुना, तो आज मैं आज यहाँ देखने के लिए आया थोड़ा तो मुझे ये देख के आश्चर्य हुआ, हैरान हुआ कि आप देखिए ये पीछे बिल्कुल पहाड़ में से दो स्प्रिंग नाला की तरह में छुमिक जो यहाँ से निकाल के आते हैं, तो ये बिल्कुल अपने आप में देखने लायक है। और यहाँ के जो लोकल बुजुर्ग और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके जबानी तौर पर ये कहते हैं कि ये छुमिक जो है एक हाइड्रोथेरेपी जिसको हम छुसान कहते हैं, मंदुक्स कहते हैं, उस हिसाब से भी इसको यूज होते हैं। बहुत सारे लोग जो कमर के दर्द, दर्द नी के दर्द, घुटने के दर्द को मिटाने के लिए यहाँ तक आते हैं, तो कहना यहाँ तक है कि यहाँ तक जो है पेशेंट को बीमारी लोगों को उठा के यहाँ लाते थे, फिर ये यहाँ पे ट्रीटमेंट होने के बाद शायद एक दो तीन दिन बैठते भी होंगे, ट्रीटमेंट होने के बाद यहाँ से वापस पैदल जाता है, तो ऐसे भी लोगों के कहावते हैं। और यहाँ की जो वर्बल हिस्ट्री अगर हम लोगों से सुने तो यहाँ पे पहले अमची फैमिली भी हुआ करता था, आज से 300-400 जो यहीं के लोगों ने जो मुझे बताया गया 300-400 साल पहले यहाँ पे जो बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट कल्चर का फॉलोअर होते थे कार्से चंबा से रिलेटेड, तो यहाँ अभी भी एक दो परिवार में जो बुद्धिस्ट कल्चर स्क्रिप्ट जो अमची मेडिसिनल के जो टेक्स्ट होते हैं वो अभी भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर आज मैंने यही कहना है कि ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका एक पोटेंशियल है जिसको आने वाले सालों में कारगिल के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोकल कम्युनिटी के सहयोग से टूरिज्म को प्रमोट किस तरह हम कर सकते हैं जिसके जरिए यहाँ के लोगों को एक आमदनी भी बने और यहाँ जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी भी बढ़े और होम स्टे के जरिए यहाँ बेरोजगारी भी दूर हो, तो ऐसे दिशा में हमें काम मिलकर करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ इसका जो मेडिसिनल वैल्यू क्या है वो मॉडर्न साइंटिफिक तौर से भी और ट्रेडिशनल आमची तौर से भी इसका एक विश्वास हो, ये हम चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में इसको ला के इसको हम किस तरह साइंटिफिक वे से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल इस यरका सिंह की नहीं बल्कि पूरे करगिल इलाके में एक सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो टूरिज्म की नज़र से हो, मेडिसिनल नज़र से हो या रिवेन्यू जनरेशन के नज़रिए से हो, तो ये सोर्स बन सकता है। तो ये मैसेज मैंने देने की कोशिश किया, सभी लोगों को धन्यवाद।